कैसे दे सकती है इस नाले के ऊपर रोड बनाने की परमिशन? सब मर जाएंगे इसमें सारे अधिकारी। 80 फीट सरकारी चरणों की भूमि है वो, इसको रोड के लिए देंगे क्या? गाय रोड चाहिए नगर निगम कभी भी कोई सरकार के पार्षद, मैं कहीं का भी हूँ पार्षद। आप अपने वार्ड में जाएं। अरे भैया मैं पाल नगर ही रहता हूँ, मैं यही रहता हूँ। अरे हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे हम। पेपर लेकर थाने आ जाओ, इनको बुला लो। तो पेपर तो अब इंदौर अब कल आएंगे, पेपर कल आना, बुला लो। ठीक है, इसके पहले काम चालू नहीं होने देंगे, देख लेते हैं। पेपर लाके उसका गरीब आदमी के बाट बाट टोल कांटा फेंक दिया, ये दादागिरी होगी क्या यहाँ पे? अरे यार तुम कौन वोट जाने वाले, तुमको पहले बोला ना, तुम्हारे ना यहाँ से चलो, अपन वहाँ अपने कंपाउंड में बात करेंगे आराम से, यहाँ धूप में काटने के लिए। हम तो धूप के लोग हैं यार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले कोई बात नहीं, चूतिया से बात मत किया करो। और अरे अरे काम चालू होगा नहीं जब तक आप परमिशन नहीं लेके आओगे। काहे की? रोड की? रोड की परमिशन नहीं है, पुलिया पे रोड नहीं बनती। रोड नगर निगम ने, नगर निगम ने लिखित में परमिशन, मैं बात करूंगा नगर निगम से, परमिशन रोड बना के देंगे, हम रोड बना के देंगे। सुनो सुनो, इधर सुनो, आप नगर निगम में बात लेके ऊपर परमिशन ही नहीं दे सकते नगर निगम को। नगर निगम का, नगर निगम का बाप भी नहीं दे सकता। आप परमिशन देख लेते हैं, बुला के देख लेते हैं, परमिशन पहले काम चालू नहीं होगा। आप व्हाट्सएप पे आप नगर निगम में बात करें। कल ही मैंने इंजीनियर बुलाया, इंजीनियर ने भी कह दिया गलत है। इंजीनियर को बुला लिया मैंने, इंजीनियर को बता दिया नाले के ऊपर नहीं बनने बनता। दे दो मेरे को आप, बिल्कुल दूंगा ना मैं बात करूंगा कमीशन से, मैं बात करूंगा ना। आप स्वतंत्र, कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे। आप लोगों ने खाली व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए नगर निगम ने पूरा तोड़ा है, ये और कुछ भी नहीं है। ये कॉलोनी का जो चरणोई भूमि में 60 फीट का रोड बनाएंगे क्या? लोगों के ढोर जानवर कहां से निकलेंगे? बाईपास पर एवरेस्ट स्कूल के पास में देवास हाईवे सिटी नाम की नई कॉलोनी बनी है, जिसका अप्रोच रोड बनाने के लिए यहाँ पर विवाद की स्थिति भी बन रही है। और बता दूं मैं, ये रोड है जो कॉलोनी नजर के प्रतिनिधि द्वारा बताया जा रहा है कि 80 फीट का रोड यहाँ पर बनना है, और जबकि ये रोड यहाँ पर इतना नज़र नहीं आ रहा है। और साथ में ये आरोप भी है यहाँ के पूर्व पार्षद का कि या आसपास जो एंक्रोमेंट अतिक्रमण हटाया गया है वो निजी हित को लाभ देने के लिए हटाया गया। हमारे साथ में अर्जुन चौधरी जी हैं, भाई साहब बताए क्या क्या आपकी शिकायत है इसमें? मेरी शिकायत ये है कि ये पहले यहाँ पे नाला हुआ करता था, और ये यहाँ पे मकान गरीबों के मकान है जिनको सरकार ने पट्टे दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी कुछ दुकानें जो रखी हुई थी बहुत सालों से। स्थान कौन सा है ये? ये स्थान एवरेस्ट स्कूल के पास का है, जी, है ना। हाँ। और ये जो रोड है पहले खेतों पे जाने के लिए रोड होता हुआ करता था, और ये पूरे पहाड़ी का पानी यहाँ पे आता है और यहाँ से जाता है नाले में से, और पूरा ये होता है और काफी मात्रा में पानी आता है जो पूरे बालगढ़ जिससे तालाब भरा था। लेकिन ये कॉलोनाइजर को निजी हित लाभ पहुँचाने के लिए नगर निगम ने ये अतिक्रमण हटाया, ठीक है ना। पूरी नगर निगम जो सरकारी नालों पे जो भी रोड अपने पुलिया और ये बनी उनको तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परमिशन कैसे दे दी? परमिशन दी नहीं है। अभी ये आए और दादागिरी के साथ वो जो गरीब व्यक्ति है उनके जो इनका पुराना दुकान था उसका कांटे वाटे फेंक दिए और बोले हटा लो, नहीं तो जेसीबी ला के तोड़ देंगे। भैया ये कौन होते हैं हटाने वाले? अगर हटाए तो प्रशासन को हटाए, ये कौन होते हैं हटाने के लिए? और इनके पास न सीवरेज है इनके पास, हाँ। न कोई अन्य सुविधा है। अब ये जंगल में इन्होंने कॉलोनी काट ली है, सुविधा मिल नहीं रही, इनके प्लाट नहीं कट रहे, इसके लिए इन्होंने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके ये सब तोड़वाए हैं। नहीं, और नाले की क्या समस्या आप बताए थे? पूरे बरसात का पानी आता है इसमें, और अब ये क्या ये पानी तालाब में पानी जाता है क्या? गंदी नाली का पानी तालाब में छोड़ेंगे तो नाले का ये पानी पूरा पाल नहीं निकल पाएगा, पूरा गंदा पानी बालगढ़ तालाब में जाएगा। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें करवाएं? अभी हमने काम रुकवा दिया, हम चाहते हैं कि विधिवत रूप से इसकी नप्ति हो और जो सरकारी नाले की जगह छूट के और जहाँ पे रोड है उस जहाँ रोड बना उधर से रोड बनाया जाए और इन गरीबों के मकान नहीं तोड़े जाए जिनके पट्टे मिले हुए हैं। ठीक है, आपका नाम बताइए? अर्जुन चौधरी, पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 42।